अस्सलाम वालेकुम। ये वीडियो सोलोलोकी के बारे में है। सोलोलोकी एक लिटरेरी टर्म है जो मोस्टली प्लेज और ड्रामास में यूज़ की जाती है। इसमें एक कैरेक्टर खुद को ऑडियंस की तरफ एक्सपोज करता है और अपने आप से गुफ्तगू करता है, अपने आप से ही मुखातिब होता है। इट इज़ अ ड्रामेटिक टेक्निक ऑफ स्पीकिंग अलोन ऑन स्टेज। ये एक ड्रामेटिक टेक्निक है। इट इज़ अ ड्रामेटिक टेक्निक ऑफ एक्सपोजिंग टू द ऑडियंस द इंटेंशंस, थॉट्स एंड फीलिंग्स ऑफ ए कैरेक्टर हु स्पीक्स टू हिम सेल्फ व्हाइल नो वन रिमेन्स ऑन द स्टेज। ये एक हेमलेट से, यहाँ पे एक एग्जाम्पल ली गई है, हेमलेट के एक्ट थर्ड और सीन फर्स्ट से, टू बी और नॉट टू बी, दैट इज द क्वेश्चन, वेदर इट्स नोबलर इन द माइंड टू सफर द सिबलिंग्स एंड एरोज ऑफ आउटरेगस फॉर्चून और टू टेक आर्म्स अगेंस्ट सी ऑफ ट्रबल्स। एक बहुत ही फेमस सोलोलॉजी है जो कि हेमलेट के एक्ट थर्ड से ली गई है, सीन फर्स्ट और एक्ट थर्ड से ली गई है, टू बी और नॉट टू बी। हेमलेट खुद से गुफ्तगू करता है, अपने आप से मुखातिब होता है, टू बी और नॉट टू बी। सोलोलॉजी का असाइड के साथ क्या ताल्लुक है? सोलोलॉजी और असाइड बेसिकली सेम टर्म्स हैं। बोथ इन सोलोलॉजी एंड असाइड ओनली वन करेक्टर स्पीक्स, लेकिन इन दोनों में फ़र्क ये है, इन असाइड सम अदर करेक्टर्स रिमेन प्रेजेंट ऑन द स्टेज, बट इन सोलोलॉजी देयर रिमेन्स नो वन ऑन द स्टेज। सोलोलॉजी में कोई और करेक्टर स्टेज पे नहीं होता, जबकि असाइड में अदर करेक्टर्स भी स्टेज पे मौजूद होते हैं। और सोलोलॉजी एक अनइंटरप्टेड स्पीच है जो कि स्पीकर खुद से बात कर रहा होता है, लेकिन एसाइड में 1 to 2 लाइन्स का एक शॉर्ट सा कमेंट होता है। और सोलोलॉजी का ड्रामेटिक मोनोलॉग से क्या ताल्लुक है? सोलोलॉजी और ड्रामेटिक मोनोलॉग भी इस तरह से सेम है कि दोनों में एक ही स्पीकर बात कर रहा होता है, लेकिन द सोलोलॉजी इज अ ड्रामेटिक टेक्निक, बट ड्रामेटिक मोनोलॉग इज अ फॉर्म ऑफ पोएट्री इन विच ए सिंगल स्पीकर स्पीक्स टू अ साइलेंट लिसनर हु रिस्पॉन्ड्स बाय फिजिकल जेस्टर्स। सो इट वॉज डिफरेंस बिटवीन सोलोलॉजी, असाइड एंड ड्रामेटिक मोनोलॉग। इट वॉज वेरी शॉर्ट वीडियो अबाउट दिस थ्री टर्म्स। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।